हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज की वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है डबल स्मार्ट तो डबल स्मार्ट फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं वहीं पे इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेसन एनालिसिस करके देने वाला हूँ वहीं पर इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पे इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथीनि सत्यदेव कांचराला और नाभानाथे स्निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पीछे करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिकवल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज़ करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघना मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बा, बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डायरेक्ट किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाइथ थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मायत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्य थापर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हैं उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ टी पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फिलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते नजर आएंगे उर्फ अरुण बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है सैया जी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जैन इस फिल्म में बिग पुल के हिंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनोन शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई दो हज़ार तेईस को राम पोथी पोथीन और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कास्ट को मेन एंडोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नजर आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्म गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्सन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कंप्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए यहाँ जहाँ पे इस फिल्म के एक गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना है स्टेपा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरल्ला श्याम लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज के ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना काल मंजे ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेज़ में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक्ट हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ़ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वो ने एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीज़र ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पर भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फिल्म में कहानी में डायरेक्ट नहीं और क्या नया एड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहे है। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु नट के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रेंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लैस होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पीछ पीछ फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले हैं तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज़ रहती है कैसा वर्ड ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास पास है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिकवल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पे कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथिनेनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी टी रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेस में जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के दुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली यूट्यूब चैनल आर के डुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक सौ पांसठ मिनट के रन टाइम के साथ पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट से आप है। देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से जैसे क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियल अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथीनैनी सत्यदेव कांचराला और नाभानाथसनिधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिकवल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिकवल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघन मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद में सिकवल के बाद में वो जनगनमना फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन री, से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डिरेक्ट किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरशन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिक और के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाई थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्या थापर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी व जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ 141 मिनट का था करीबन दो घंटे 21 मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बया बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हुए उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सैटेलाइट पे रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहां पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफर के बाद में जो रोल है वो वहीं पर संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन इंटागोनिस का रोल हो काव्या था इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है सैयाजी जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जी ने इस फिल्म में बिग पुल के हिंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है, गेटअप शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है, अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंदेश देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की माँ का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज सीआई के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई दो हज़ार तेईस को राम पोथी पोथीन और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कास्ट को मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्म गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कंप्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कंप्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया है जहाँ पर एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइज़ में म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए जहाँ पे इस फिल्म के एक गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज हुए पहला गाना स्टेपा मार जिसको भास्कर अभाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज की ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सीपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूजिक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स है वो भास्कर भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना कालमंजन ने गाया हुआ इस गाने को 8 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वो एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीज़र ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी जिधर तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़, चीज़, चीज़ों को चेंज चीज़ करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में, में। जहाँ पे ये फ़िल्म टोटल पाँच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगु में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पीछ फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथी में रिलीज होती हुई नजर आएगी जहाँ पे जो दूसरे लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेश ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फिल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले हैं तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसी क्या रिलीज़ रहती है कैसा माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिकवल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फ़िल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथी नैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेज में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नजर आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म एंजॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथीनैनी सत्यदेव कांचराला और नाभानाथे स्निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिकवल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज़ करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघन मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद में सिकवल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के उस री, रीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डिरेक्या पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाई थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निजाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्या थापर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हैं कि उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सेटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फिलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस सात स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उर्फ अरुण बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन इंटागोनिस का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है संयाजी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जैन इस फिल्म में बिग पुल के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीन शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त दो में रखा हुआ था कुछ सिक्वेंस थे उसको मुंबई में मई दो में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए यहाँ जहाँ पर इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप स्टेपा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूज़िक के द्वारा एक जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज के ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूजिक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना काल ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर सब, बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट फंकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीज़र ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कभी कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट नहीं ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी जि तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्ल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता हैं। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगु में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले हैं तो अब इतनी कम स्क्रीनस के साथ किस तरह कैसी क्या रिलीज़ रहती है कैसा माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिक्वल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये है सभी चीज़ों डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथी नैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फ़िल्म ओ टी टी रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पे डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम विडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डूगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पर फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी Prime अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट से आप है। देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिर किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और नाभानाथ स्निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूजिक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि उसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज़ करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनागना मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रिल से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है और यूट्यूब पे उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डेरे किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्ट प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निजाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्या था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाली है एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल जो वर्क है वो सिमिल, सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है देखते कि हैं उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ टी पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फिलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उसताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन िस का काव्या था पर इस जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो संकर का लव इंटरेस्ट है गेटअप ऑफ शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई मा, 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्सन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए यहाँ जहाँ पर इस फिल्म के ए, गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप स्टेपा मार जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज के ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्सा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया है तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्कर भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना कालमजे ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीजर ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नजर आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट सनकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग ये वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह से किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तरह तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुनाने में कितना क्या कामयाब रहता वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नडा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लैस होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू स्त्री टू शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पीछ पीछ पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरे लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज रहती है कैसा ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से सिकवॉल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथी नैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फ़िल्म ओ टी रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डूगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने पोथीनैनी सत्यदेव कांचराला और नाभानाथिस निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूजिक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघना मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के सब, रिलीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डिरेक्ट किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्या था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी व जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़ी करके इस फिल्म में डाली हुई है तब देखते उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यू ए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सैटेलाइट पे रिलीज किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहां पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिग बुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफर के बाद में जो रोल है वो वहीं पर संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन इंटागोनिस का रोल हो काव्या था इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है संया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जैन इस फिल्म में बिग पुल के का रोल प्ले किया हुआ है, गेटअप के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली तो प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंदेश देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है, झांसी को शंकर की माँ का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज सीआई के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पुरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कास्ट को मेन एंटागोनिस्ट के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्कीस जुलाई दो हज़ार को जहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज किए गए यहाँ जहाँ पर इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप स्टेप्पा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 1 जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज की ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्कर भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना कालमंजर ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वे एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो और तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट नहीं और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी जि तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता है। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चेंज चीज़ों चेज़, चेज़, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फ़िल्म इतनी लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगु में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लैस होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछ, पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह से क्या रिलीज़ रहती है कैसा ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथीनैनी की फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से सीकॉल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ें को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेज़न प्राइम मीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथीनैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी पे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पे डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही बेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथिथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराहई गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और नाभानाते निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूजिक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का, का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज़ करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघन मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल की भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को ऑफिशियल चैनल के ऊपर हालांकि काफी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज्यादा के फिलहाल में व्यूज हासिल किए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डेरेक् पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाई थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मायत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स ख़रीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोची नैनी और संजय दत्त और काव्या थापर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जीनेल्ली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़ी करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हुए कि उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और रिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सैटेलाइट पे रिलीज किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उर्फ अरुण बिगबुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पर संजय दत्त ने बिगबुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन इंटागोनिस का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है संया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जैन इस फिल्म में बिग बुल के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनोन ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नज़र आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया तो उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज किए गए यहाँ जहाँ पर इस फिल्म के ए, गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप स्टेप्पा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्कर भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजर ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर सब, बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग बुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है एक नेटरेस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रां मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह से किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तरह तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते हैं वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चेंज चीज़ों चे, 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 को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु नटी के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फ़िल्म इतनी लैंग्वेज़ में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पिछ पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज़ रहती है कैसा ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथीनैनी की फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से सीखा ले ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये है सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेज़न प्राइम मीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुगल स्टूडियोज के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथीनैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डूगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी, भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दू तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से जैसे क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो हज़ार चौबीस की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और ने स्निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघनमना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद में सिकवल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालाँकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डेरे किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्य था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़ी करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूब और ओ पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस सात स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिगबुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफर के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है संयाजी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जे ने इस फिल्म में बिग बुल के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनो शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई मा, 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेप अप किया गया था इक्कीस जुलाई दो हज़ार को जहाँ पे एक एक्शन सीक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कंप्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कंप्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज किए गए यहाँ जहाँ पर इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेपा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 1 जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज की ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया है तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा ने लिखे हुए पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमजे ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है एक नेटरेस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट शंकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए है वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता हैं। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं। वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फ़िल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फ़िल्म इतनी लैंग्वेज़ में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पीछ पीछ फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज़ रहती है कैसा ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी पोथीनैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सीखा ले ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेज़न प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथीनैनी का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी पे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पे डेफिनेटली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नजर आएगी अदरवाइज ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली YouTube चैनल आर के डुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल YouTube चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ 15 अगस्त 2024 को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और नाभानाथिस निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूजिक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघना मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजन्स के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगणनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रिल रिजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है और यूट्यूब पे उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज्यादा के फिलहाल में व्यूज हासिल किए हुए तो यह एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे हैं जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डेरे किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है माइथ्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्या था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नजर नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जीनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़ी करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते है उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिगबुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफर के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है संयाजी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जे ने इस फिल्म में बिग बुल के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनो ने शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कास्ट को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नज़र आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए जहाँ पे इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप्पा मार जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज के ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजर ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग अट्रैक्ट हुए वहीं पर सब, बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग बोल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है एक नेटरेस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो और तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तरह तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्ज है नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता है। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चेंज चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलगु नटी के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं। वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फ़िल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरे लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज़ रहती है कैसा वर्ड ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी पोथीनैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सीखा ले ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथी ने का वॉइस और देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी पे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली एमज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइड्स है वो अमेजन प्राइम वीडियो को ही बेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पे आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली यूट्यूब चैनल आर के डुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एयल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ पंद्रह अगस्त दो को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म एंजॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेजन प्राइम वीडियो को बेचते या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते तो इस तरह से जैसे क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो हज़ार की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और ने स्निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल ले पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघना मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद में सिकवल के बाद में वो मना फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन री, से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने ख़रीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे हैं जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डेरे किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट माइत्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी संजय दत्त और काव्या था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जीनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ़ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हुए कि उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ टी पे सॉरी सैटेलाइट पे रिलीज किया था हिंदी वर्जन फ़िलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहां पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे उर्फ अरुण बिगबुल का रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पर संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है सैया जी सिंधे ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जैन इस फिल्म में बिग के हेंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनोन शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सीआई के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पुरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नजर आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमैक्स पोर्सन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कंप्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया है जहाँ पर एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूज़िक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज किए गए जहाँ पे इस फिल्म के एक गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज हुए पहला गाना स्टेप्पा मार जिसको भास्करा भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज कीर्ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूजिक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया है तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स है वो भास्कर भाटला ने लिखे हुए पृथ्वी चंद्रा और संजना कालमंजे ने गाया हुआ इस गाने को 8 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रेट हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग बोली यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वे एक नेटरेस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीजर ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पर भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया एड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह से किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता हैं। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु नटी के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें हैं अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में, में। जहाँ पे ये फिल्म टोटल पाँच लैंग्वेज हिंदी तेलगू तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली पीछ पीछ फिल्में जो थिएटर में चल रही है, वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथी में रिलीज़ होती हुई नजर आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह से क्या रिलीज़ रहती है कैसा वर्ड ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास बस है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फ़ैन फॉलोइंग के हिसाब से सिकवल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये है सभी चीज़ों डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेजन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथीनैनी का वॉइस और देते हुए नजर आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी पे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेज में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के दुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही बेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली यूट्यूब चैनल आर के डुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक मिनट के रन टाइम के साथ पंद्रह अगस्त दो को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म एंजॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट्स है आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते हैं या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो हज़ार की एक इंडियन साइंस फिक्सन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो वो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथी ने नी सत्यदेव कांचराला और नातेश निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिकवल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघन मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमना फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज़ कर ले कर रहे हैं जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डिरेक् पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ चार्मिकोर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाइथ थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नेनी ने, और संजय दत्त और काव्य था पर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिल सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जीनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़े करके इस फिल्म में डाली हुई है जब देखते हैं उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और एडिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ टी पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फिलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस्ताद स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिग का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन एंटागोनिस्ट का रोल हो काव्या था पर इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है सैया जी सिंधे ने सी ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जे इस फिल्म में बिग बुल के हिंचमैन का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप श्रीनोन शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने सी के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कार्स को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नजर आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त 2023 में रखा हुआ था कुछ सीक्वेंस थे उसको मुंबई में मई 2024 में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया था उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्सन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए जहाँ पे इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेपा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 1 जुलाई 2024 को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम ने लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज की ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया है तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्र और संजना काल मंजर ने गाया हुआ इस गाने को 8 अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूज़िक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रिक्ट हुए वहीं पर बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रांग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग बोली यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वो ने एक नेटरस असाइनमेंट है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट संकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग है वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीज़र ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पर भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया एड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फ़िल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहता हैं। वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चें चीज़ों चे, चे, को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रेंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलुगू, तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगू में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी स्त्री टू भी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछ पिछली पीछ फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नज़र आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले हैं तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज रहती है कैसा वर्ड ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास पास है नहीं लेकिन आ, फिर भी तेलुगु में तो राम पोथी नैनी की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिक्वल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म के ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथिनेनी का वॉइस और देते हुए नजर आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी पे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली यूट्यूब चैनल आर के डुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक सौ बासठ मिनट के रन टाइम के साथ पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नाडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पर फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट से आप देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से जैसे क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी डबल स्मार्ट जो दो के एक इंडियन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है ये फिल्म स्पिरिचुअल सिक्वल है स्मार्ट शंकर का स्मार्ट शंकर के ऊपर बातचीत करें तो दो 2019 की एक इंडियन तेलुगु लैंग्वेज साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने वहाँ पे एक हार्ड कोर मास एंटरटेनर फिल्म के तौर पे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सक्सेस हुई थी क्योंकि क्रिटिक्स की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स था ऑडियंस की तरफ से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा सराही गई थी तो उसी वजह से बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने तबाही मचाई थी कुछ पंद्रह बीस करोड़ के बजट में बनाई गई फिल्म थी स्मार्ट शंकर जिसको लिखा और डिरेक्ट किया था पूरी जगन्नाथ ने राम पोथीनि सत्यदेव कांचराला और ने निधि अग्रवाल जैसे जो एक्टर्स थे वो फिल्म के लीड कास्ट में थे और साथ ही में म्यूज़िक में मनी शर्मा ने काम किया था बॉक्स ऑफिस पे उस फिल्म ने 80 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था करीबन पिछले करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई थी उसके बाद में उसके सिक्वल के ऊपर भी अनाउंसमेंट आई हुई थी जहाँ पे सिक्वल के ऊपर काफ़ी लंबा समय लिया था क्योंकि इसको पेन इंडिया लेवल पे वो रिलीज़ करना चाहते थे इनिशियली जो स्मार्ट शंकर है उस फिल्म का नाम जनाघन मना होने वाला था लेकिन कुछ रीजंस के चलते वो प्रोजेक्ट के ऊपर बाद में काम था वो कैंसिल किया गया था जहाँ पे जो सॉरी इस फिल्म के बाद बाद में सिक्वल के बाद में वो जनगनमन फिल्म आने वाली थी लेकिन बॉक्स ऑफिस फेल होने के रीजन री, से डायरेक्टर ने वो फिल्म कैंसिल की हुई थी अब डबल स्मार्ट के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा कर ले थे वैसे स्मार्ट शंकर है उसके हिंदी डब वर्जन के राइट थे वो आदित्य मूवीज़ वालों ने खरीदे हुए थे जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इस फिल्म को अवेलेबल भी किया हुआ था जहाँ पे फिलहाल में जो स्मार्ट शंकर पार्ट वन है वो आपको अगर ऑफिशियली देखना है तो देखने को मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर हालांकि काफ़ी सारी ऑडियंस ने उस फिल्म को देख लिया है और फिल्म को भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हुआ है और यूट्यूब पर उस फिल्म ने छासठ तो मिलियन से ज़्यादा के फिलहाल में व्यूज़ हासिल किए हुए तो ये एक अच्छी बात है और यही सब रीज़न है उसके चलते फिल्म ने एक अच्छा बस क्रिएट किया था हिंदी मार्केट में भी जिसके चलते बाद में लेटर ऑन जो डबल स्मार्ट फिल्म है उसको वो पेन इंडिया लेवल पे रिलीज कर ले कर रहे जहाँ पे तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी मार्केट के ऊपर फोकस किया हुआ है इस फिल्म को भी लिख लिखा और डिरेक्ट किया पूरी जगन्नाथ ने स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है फिल्म को पूरी जगन्नाथ और के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है एक हाई एंड बजट के साथ बनाई गई फिल्म है जहाँ पे पूरी कनेक्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है प्राइम शो एंटरटेनमेंट पाइथ थ्री मूवी मेकर्स के द्वारा फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करवाया जा रहा है मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का निज़ाम का राइट्स खरीदा हुआ है इस फिल्म की कास्ट में आपको राम पोथी नैनी और संजय दत्त और काव्य थापर लीड रोल में देखने को मिलेंगे जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डबल स्मार्ट फिल्म है वो एक स्पिरिचुअल सिक्वल होने वाले एक डायरेक्ट सिक्वल नहीं होने वाले तो एक फिक्सनल uh, जो वर्क है वो सिमिलर काइंड ऑफ और सेम डायरेक्टर के द्वारा जो एक तैयार किया गया कंटेंट है उससे इंस्पायर्ड होकर एक वही वर्ल्ड वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करना उसको स्पिरिचुअल सिक्वल बोलते हैं तो वो इस फिल्म के साथ देखने को मिलेगा तो ये फिल्म पहले पार्ट से डेफिनेटली कनेक्टेड नज़र नहीं आएगी इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी वो जियानी जिनेली और श्याम के नायडू ने की हुई है फिल्म को एडिट किया हुआ है कार्तिका श्रीनिवास ने जिन्होंने एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे बयालीस मिनट लंबी देखने को मिलेगी वैसे एक मास मसाला एक्शन एंटरटेनर फिल्म है उसके लिए रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि पहला पार्ट तो सिर्फ एक मिनट का था करीबन दो घंटे इक्कीस मिनट का तो उसके सामने दो घंटे बयालीस मिनट जितना लंबा ये सेकंड पार्ट किया हुआ है तो करीबन बीस बाईस मिनट ज़्यादा बड़ी करके इस फिल्म में डाली हुई है तब देखते हैं उसको किस तरह से कैसे किया डायरेक्टर और रिटर ने दिखाया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले पार्ट को भी एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था हिंदी डब वर्जन में कुछ डायलॉग्स और चीज़ें चेंज की हुई थी जिसके चलते बाद में उसको यूए कन्वर्ट करके यूट्यूबर ओ पे सॉरी सैटेलाइट पर रिलीज़ किया था हिंदी वर्जन फिलहाल में इस फिल्म को सभी वर्जन में एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ रिलीज़ किया जा रहा है जहाँ पे कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो राम पोथी ने, ने इस फिल्म में उस साथ स्मार्ट शंकर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे उर्फ अरुण बिगबुल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो मेमोरी ट्रांसफ़र के बाद में जो रोल है वो वहीं पे संजय दत्त ने बिग बुल का रोल प्ले किया हुआ है जो शायद हो सकता है फिल्म का मेन का रोल हो काव्या इस फिल्म में जन्नत का रोल प्ले कर रही है जो शंकर का लव इंटरेस्ट है, है जी ने सीबीआई ऑफिसर चंद्रकांत का रोल प्ले किया हुआ है बानी जे ने इस फिल्म में बिग पुल के का रोल प्ले किया हुआ है गेटअप गेटअप्रीनोन शंकर के फ्रेंड का रोल प्ले किया हुआ है अली प्रगति ये सभी लोग इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलते हैं मकरंद देश पांडे ने न्यूरो साइंटिस्ट का रोल प्ले किया हुआ है झांसी को शंकर की मां का रोल दिया गया है वहीं पे उत्तेज ने आई के रवि प्रकाश का रोल प्ले किया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएगी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी हो सकते हैं आने वाले समय में जब फिल्म रिलीज़ होगी तो कुछ कास्ट के ऊपर प्रॉपर डिटेल मिलेगी तो उसके बाद में कुछ और भी एक्टर्स इस फिल्म के साथ जुड़ सकते हैं अब देखते हैं कि किस तरह से कैसे क्या काम किया होगा डायरेक्टर ने कितने एक्टर्स को लिया है वो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा प्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं डबल स्मार्ट शंकर फिल्म को ऑफिशियली डबल स्मार्ट आ, टाइटल के साथ अनाउंस किया गया था चौदह मई 2023 को राम पोथी ने, ने और पूरी जगन्नाथ के द्वारा संजय दत्त ने इस कास्ट को मेन इंटागोनिस के रोल पे ज्वाइन किया था जहाँ पे तेलुगु सिनेमा में इस फिल्म के साथ वो डेब्यू करते हुए नजर आए प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो 12 जुलाई 2023 को ऑफिशियली स्टार्ट की गई थी एक बड़े लॉन्च इवेंट के साथ हैदराबाद में फर्स्ट शेड्यूल था वो रेपअप किया गया था इक्तीस जुलाई दो को जहाँ पे एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया गया था मुंबई में और उसके साथ में इस फिल्म की काफ़ी सारी शूटिंग मुंबई में भी की गई थी सेकंड शेड्यूल था वो पूरी तरह से थाईलैंड में अगस्त दो में रखा हुआ था कुछ सिक्वेंस उसको मुंबई में मई दो में भी शूट किया हुआ था उसके बाद में इस फिल्म के प्रोडक्शन में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ के चलते रोका गया तो उसके बाद में लेटर ऑन चीज़ें सोल्व हुई थी उसके बाद में इस फिल्म का क्लाइमेक्स पोर्शन था वो मुंबई में शूट किया हुआ था करीबन उसमें करीबन आठ करोड़ जितना खर्चा लगाया गया था प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी वो पाँच जुलाई तक फिल्म की पूरी तरह से कंप्लीट करवाई गई थी तो इस तरह से इस फिल्म को चौदह मई दो को स्टार्ट किया था पाँच जुलाई दो तक पूरी तरह से प्रोडक्शन में कम्प्लीट किया था उसी के साथ में पोस्ट प्रोडक्शन का भी काम चल रहा था और वो सभी चीज़ें भी म्यूज़िक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग कम्प्लीट करवाते हुए फिल्म को सेंसर करवाया जहाँ पे एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है फिल्म को म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो टी सीरीज़ के पास म्यूज़िक के राइट्स है जिन्होंने सॉरी म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो आदित्य म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स है जिन्होंने अच्छी प्राइस में म्यूजिक के राइट्स खरीदे हुए बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स मनी शर्मा के द्वारा कंपोज़ किए गए जहाँ पे इस फिल्म के गानों के ऊपर बातचीत करें तो चार ट्रैक रिलीज़ हुए पहला गाना स्टेप्पा मार जिसको भास्कर भाटला ने लिखा हुआ है अनुराग कुलकर्णी साहित्य ने उसको गाया हुआ है इस गाने को फर्स्ट सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा एक जुलाई दो को रिलीज़ करवाया गया था सेकंड गाना मार मुंता छोड़ चिंता करके जो गाना है उसको कसरला श्याम लिखा हुआ है राहुल सिपलीगंज के ताना शर्मा धनंजय सिपाना ने उसको गाया हुआ है इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पे 16 जुलाई 2024 को रिलीज़ किया गया था आदित्य म्यूजिक के द्वारा थर्ड सिंगल क्या लफड़ा उसको श्री हर्षा इमानी ने लिखा हुआ है धनंजय सिपाना और आ, सिंधुजार श्रीनिवासन ने उसको गाया हुआ है इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2024 को आदित्य म्यूज़िक के द्वारा उसके बाद में इस फिल्म का एक चौथा गाना है बिग बुल जो संजय दत्त का किरदार है उसके ऊपर गाना फिल्माया गया तो वो गाना नाम भी वही रखा हुआ है तो लिरिक्स से वो भास्करा भाटलान लिखे हुए पृथ्वी चंद्रा और संजना काल मंजर ने गाया हुआ इस गाने को आठ अगस्त दो हज़ार चौबीस को ऑफिशियली फोर सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवाया गया था तो ये सभी गाने मल्टीपल लैंग्वेजेस में आदित्य म्यूज़िक के द्वारा रिलीज़ करवा दिए गए तो जिसको आप ऑफिशियली यूट्यूब पे आदित्य म्यूजिक के यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो इस फिल्म का जब टीज़र ट्रेलर आउट हुआ जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला तो कुछ कॉन्सेप्ट से लोग एट्रेक्ट हुए वहीं पर सब, बाकी सभी चीज़ें उनको टिपिकल नजर आ रही है तो एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला हुआ है वैसे इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन करवा दिया है जहां पे एक सौ बासठ मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया हुआ है सभी वर्जन में ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है एडल्ट सर्टिफिकेट क्योंकि फिल्म में जो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो वायलेंस है तो उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इस फिल्म के किरदार में जो कहानी जो देखने को मिल रही है वो प्रीमाइज नज़र आ रहा है ट्रेलर से वो ये नज़र आ रहा है कि बिग पुल यानी कि संजय दत्त का जो किरदार है वो एक नेटरस असाइन है जो एक इमोटलिटी के साथ कुछ ट्रांस मेमोरी ट्रांसफ़र वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहता है जो स्मार्ट शंकर है उसके थ्रू ये सभी चीज़ें वो करना चाहता है जिसके अंदर ऑलरेडी किसी और पर्सन की मेमोरी ट्रांसफ़र की हुई है वो भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुई थी तो अब ये सभी चीज़ें वो ट्रांसफ़र करता है शंकर के अंदर बिग बुल का जो तो दिमाग ये वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाती है उसके बाद में इन दोनों की एक कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स भी देखने को मिल रहे हैं टीज़र ट्रेलर में तो चीज़ें वहाँ पे भी कुछ कुछ इंटेंस होती हुई नज़र आती है अब देखते हैं कि फ़िल्म में कहानी में डायरेक्ट ने और क्या नया ऐड किया हुआ है और चीज़ें किस तरह कैसे किया जाके आगे रुकती है इस फिल्म का जो एक स्केल की बात करें तो काफ़ी हाई स्केल में फिल्म को बनाया हुआ है म्यूज़िक डिपार्टमेंट टेक्निकल ये सभी जित तर, तरीके से फिल्म काफ़ी बढ़िया नज़र आ रही है एक्टर्स जो चूज़ किए हुए वो भी काफ़ी अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे हैं अब देखते हैं कि डायरेक्टर ने इनके पास परफॉर्मेंसेज कैसे निकलवाई है फिल्म का स्क्रीन प्ले डायलॉग्स कैसे लिखे गए किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाते वह सभी चीज़ें डिसाइड करेगी कि फिल्म किस तरह से कैसे क्या अपना जो स्मार्ट शंकर जो फिल्म है उसका जो एक सक्सेस है उसको आगे बुलाने में कितना क्या कामयाब रहे वैसे इस फिल्म की जो कहानी में जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है ऑलरेडी हॉलीवुड फिल्मों में यूज़ हुआ है लेकिन उसको थोड़ा टॉर्क करके थोड़ा चेंज चीज़ों को चेंज करके इस फिल्म में डाला हुआ है तो वो सभी चीज़ें वो इस फिल्म के साथ तेलुगु नटी के साथ दिखाई गई तो वो सभी चीज़ें वो थोड़ी आपको अलग तरीके से दिखाई जाएगी तो वो सभी चीज़ें अब वो आपको डेफिनेटली इस फिल्म में देखने को मिलेगी अब देखते हैं कि वो किस तरह से कैसे क्या हमारे सामने पेश की जाती है अब संजय दत्त और राम पोथी ने का कन्फ्रेंटेशन वाले सीन्स कैसे रहते हैं। वो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करने वाले 15 अगस्त 2024 को ये फिल्म पेन इंडिया लेवल पर रिलीज़ हो रही है इसका मतलब सभी लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ की जाएगी इंडिया में मेन लैंग्वेजेस में जहाँ पे ये फिल्म टोटल पांच लैंग्वेज हिंदी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम रिलीज़ हो रही है तो एक बात यही है कि ये फिल्म इतनी लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है जहाँ पे तेलुगु में ये फिल्म मिस्टर बच्चन के साथ बॉक्स ऑफिस पे क्लेश होगी हिंदी मार्केट में तो काफ़ी सारी फिल्में आने वाली है तो जिसमें स्त्री टू फी शामिल है वेदा फिल्म शामिल है और इसके अलावा और भी कई ऐसी फिल्में जो आपको डेफिनेटली पिछली फिल्में जो थिएटर में चल रही है वो भी देखने को मिलेगी इसके अलावा और भी कई नई फिल्में जो साथ ही में रिलीज़ होती हुई नजर आएगी जहाँ पे जो दूसरी लैंग्वेज की फिल्में वो भी आपको देखने को मिलेगी तो ये सभी चीज़ें जो इस फिल्म के साथ होने वाली एक अच्छा क्लेस ले रही है फिल्म आप देखते हैं कि जैसे कि थंगलन फिल्म है वो तमिलनाडु में आ रही है पंद्रह अगस्त को खेल खेल में भी फिल्म आ रही है तो ये सभी फ़िल्में अगर एक साथ में रिलीज़ हो रही तो डेफिनेटली स्क्रीन्स तो कम मिलने वाले हैं तो अब इतनी कम स्क्रीन्स के साथ किस तरह कैसे क्या रिलीज़ रहती है कैसा वर्ड ऑफ माउथ रहता है हिंदी मार्केट में दूसरे मार्केट में वो डिपेंड करेगा फिल्म कैसी क्या रहेगी अभी तो तेलुगु मार्केट में भी उतना कुछ खास पास है नहीं लेकिन फिर भी तेलुगु में तो रामपोथी नैनी ने ने की फैन फॉलोइंग के हिसाब से सिकॉल है ये फिल्म स्मार्ट शंकर का उस हिसाब से थोड़ा बहुत कलेक्शन कर लेगी लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर खास करके ज़्यादा डिपेंड करेगी ये फिल्म की ये फिल्म कहाँ पर कैसे जाके आगे रुकती है तो अब देखते हैं कि ये सभी चीज़ों को डायरेक्टर किस तरह से कैसे क्या दिखा पाते वही सब चीज़ें फिल्म को हेल्प करेगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में डबल स्मार्ट शंकर के ऊपर और जानकारी दूँ तो इस फिल्म की ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो के पास है हिंदी डब वर्जन के राइट्स आर के दुग्गल स्टूडियोज़ के पास है जिन्होंने इस फिल्म को हिंदी डब करवाया हुआ है जहाँ पे संकेत महात्रे इस फिल्म में राम पोथीनैनी का वॉइस वॉयजोर देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे हिंदी वर्जन है वो संजय दत्त ने अपने लिए खुद डब किया हुआ है तो एक अच्छी बात नज़र आएगी इस फिल्म में कि डबिंग का में क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी अब थिएट्रिकल रिलीज़ के काफ़ी लंबे समय के बाद ये फिल्म ओ टी टे रिलीज़ करवाई जाएगी जहाँ पर डेफिनेटली अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ये फिल्म मल्टीपल लैंग्वेजेज़ में जहाँ पे तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम ये सभी वर्जन शामिल होंगे और मोस्ट प्रोबली चांस है कि आर के डुगल स्टूडियो ने भी इस फिल्म के जो हिंदी डब वर्जन के राइट्स है वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो को ही पेचे होंगे अगर ऐसा होता है तो उनकी ओ टी टी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फिल्म नज़र आएगी अदरवाइज़ ये फिल्म यूट्यूब पर आपको देखने को मिल सकती है वो भी डायरेक्टली यूट्यूब चैनल आर के डुगल स्टूडियोज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि डबल स्मार्ट शंकर एडल सर्टिफिकेट के साथ एक सौ पांसठ मिनट के रन टाइम के साथ पंद्रह अगस्त दो हज़ार चौबीस को थिएट्रिकली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम वर्जन में रिलीज़ होने के लिए तैयार है तो वहाँ पे फिल्म इन्जॉय कर पाओगे उसके कुछ महीनों के बाद ये फिल्म ओ टी टी पे अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर भी इंग्लिश सब टाइटल भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी हिंदी डब वर्जन के ऊपर जानकारी दूँ तो आर के डुगल स्टूडियोज़ के पास फिल्म के हिंदी वर्जन के राइट से आप है। देखते हैं कि वो इस फिल्म को अमेज़न प्राइम वीडियो को बेचते या खुद ही उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑफिशियली प्रीमियर करवाते हैं तो इस तरह से जैसे क्या अब रिलीज़ होगी वो वा आने वाले समय में ही पता चलेगा फिल्म कैसे क्या ऑफिशियली अमेजोन पे देखने को मिलती है या फिर आर के दुगल स्टूडियोज़ के ऊपर स्कंदा फिल्म की तरह ये फिल्म भी देखने को मिल जाए तो इस तरह से ये फिल्म आपको ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी तो बस गाइज डबल स्मार्ट फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दी हुई है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर भी एक जानकारी दी हुई है फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थैंक यू